बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यहाँ जी हम बाबूसर टॉप से अब इधर गिलगत हमने स्टे किया और फिर हम इधर हंजा पहुँच गए हैं इधर वाइट अखरोट में। और आगे मैं आपको अब दिखाती हूँ। यहाँ जी आते स्टे थोड़ा किया, शावर वगैरह किया बच्चों ने मैंने, और मैं अब दाल चावल बनाने लगी हूँ। मैंने प्याज को फ्राई किया, यहाँ पे हल्का सा सौते करूँगी और चिकन ऐड कर दूँगी इसमें, और साथ ही इसमें मैं अदरक लहसुन का वो पाउडर है मेरे पास वो डाल दूँगी। मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं प्याज में ही, और अदरक ब्रीक काट के जुलियन कटिंग में डाल दिया है, और इसको फ्राई करते जा रहे हैं। और फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। इसमें ड्राई सारे स्पाइसेस भी अपने ऐड कर देंगे, पिसी लाल मिर्च, नमक, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा, और इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको भूनूंगी मसाले को, और फिर मैं इसमें पानी ऐड करके साथ ही दाल डाल के फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी, तो बड़ी मज़े की फास्ट एक क्विक दाल बन जाएगी, चिकन चना दाल। तो नेक्स्ट आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ कुकिंग का। जी हाँ, ये तो ये इसमें चने की दाल डाल दी है, चने की दाल डाल दी है, इसमें पानी डाल के ऐड करके प्रेशर लगा देना है, तो हमारी दाल क्विक तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ जी मैंने दाल भी अपनी ऐड कर दी है इसमें प्रेशर में, और 10 से 15 मिनट में हमारी दाल रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ जी मैंने पतीले में पानी रख दिया था जब मैंने दाल चढ़ाई है, साथ ही मैंने चावल भिगो दिए थे। पानी में जैसे ही बॉयल आया मैंने नमक डाल के चावल डाल दिए हैं, और मैं इनको बॉयल कर लूँगी, और पानी इनका जब चावल मेरे डन हो जाएंगे फुल तो मैं इनका पानी स्ट्रेन कर दूँगी, तो फिर मैं आपको फाइनल लुक खाने की दिखाती हूँ। दाल भी हमारी उधर रेडी हो रही है। ज़ूम करो। ये जी रेस्टोरेंट की विंडो से ये नज़ारा देखिए। ये जो वाइट जिसके टॉप के ऊपर वो वाइट सा है ना, हाँ जी, ये है अर्तित, अर्तित ये किला है 11 सदियों पुराना, यानी कि 11,000 साल पुराना, ये नवाबों का अच्छा ये है किला। अच्छा जी, ये हिस्ट्री है, ये किला है बहुत 11 सदियों पुराना, 11,000 साल अर्थित किला है कोई। तो हम खाना खाकर फिर आपको इस किले की सैर करवाएंगे। ये विंडो से नज़ारा चेक कर लें, बहुत खूबसूरत व्यू है, और यहाँ हमारी डाइनिंग वगैरह ये सामने ही लगी है बिल्कुल। खाना तो चले भी आए, आप भी आएँ हमारे साथ खाना खाएं, एंजॉय करें। चलें जी खाना खाने की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये जी हमारे खाने की फ़ाइनल लुक, डिश आउट करके हम डाइनिंग टेबल पर खाना ले आए हैं अपना, और माशाल्लाह से सब खाने लगे हैं बहुत रेडी। जल्दी से ये दाल बन के तैयार होने वाली है, रेडी टू गो, बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह से। तो ये फ़ाइनल लुक जी, दुआओं में याद रखें, अपना रखें आप ढेर सारा ख्याल, अपने अपने घरों में आप आबाद रहें। जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और मेरी उनके लिए हमेशा से दुआ है वो आबाद रहें, खुश रहें अपने घरों में, अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में रहें। मुझे दीजिए इजाज़त जी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अंगूर भी लगे हुए हैं, यहाँ पे वो खुबानी भी लगी हुई है, चेरी भी लगी हुई है, एप्पल भी लगे हुए हैं माशाल्लाह से, और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये फ्रूट्स खा के माशाल्लाह से। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त इन हसीन फूलों के साथ, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग में। तो दीजिए जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।